अरे भाई ये किसा डाले भाई ले कटर रहा क्या क्या हुआ है सचिन एप्पल खा लिया क्या तुम्हारा ले कटर रहा किसा भाई बाहर आना है आपको चलो रॉकी भाई को पसंद नहीं आ रहा है उनका घर बहुत आवाज कर रहे चलो 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 मेरे साथ चलो तो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और हम आपने हमारा कल का ब्लॉग देखा ही होगा 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए और फिलहाल मैं रॉकी भाई को हमारे घर में छोड़ने के लिए आ गया हूँ क्योंकि रॉकी भाई को है ना बाहर बारिश थोड़ी शुरू हो गई है तो उनको पसंद नहीं आ रहा है बारिश में और उनको पिंजरा भी पसंद नहीं आ रहा है तो इनको अभी इधर घर में थोड़ा सा रख देते पूरा खाली घर है इसमें उनको रख देते मतलब वो भीग ना जाए तो जी हाँ गाइस मैं कह रहा था कि सुबह के अभी लगभग 8:30 हो रहे हैं मैंने अभी मेरा ब्लॉग अपलोड को लगा दिया है हालांकि जो मेरे घर के ब्लॉग है वो थोड़े लेट आया करेंगे क्योंकि यहाँ पे भाई नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है और ऊपर से थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है तो थोड़ा एडिटिंग वगैरह को भी टाइम नहीं मिल रहा है तो इसलिए थोड़े से लेट आएंगे आप एक्सपेक्ट करके चलो मैं यूजुअली मैं 7:30 बजे डाल देता हूँ और फिलहाल आज हमारा प्लान है शिरडी जाने का हम सभी भाई लोग पायल और मेरी दो बहनें हम सभी जाने वाले हैं शिरडी जाके आते हैं तो आपको भी शिरडी के ये बोल रही पहले नहा लेते हैं और पायल का तो अभी कपड़े वपड़े धो के सब रेडी हो चुकी है पायल भी ये तो भाई पहले से रेडी रहता है ये तो हमें डांट खिलवाने के लिए इधर ऐसे चीजें करता रहता है क्योंकि अगर ये तैयार हो गया ना तो फिर मम्मी हमें डांटती है और आज सब्जी में बन रहे सेपू की सब्जी है बाजरे की रोटी है तो मस्त मजा आएगा बस उतना ही है हम नॉर्मल खाना खाते हैं भाई लोग सब्जी कल का केक अभी बचा हुआ है थोड़ा सा पायल को एक केक बहुत पसंद है और पायल ने कल एक केक चूज करके लाया था आयो कोई केक तो नहीं लाता हाँ पायल खाओगी क्या हाँ ये इसका मेरे शादी में सेम केक था ये तो इसने मेरे शादी एंगेज हमारे शादी में सेम केक था एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए तो ये एंगेजमेंट सेरेमनी भूल गई और केक खाने बैठ गई वो फोटोग्राफर तंग हो गया भाई मैडम जल्दी आ जाओ फोटो निकालने ऐसे तो मेरी बीवी है I've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause I came to the game and I changed it to play how I like rearranged it to my own domain yeah I got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stopped never changed all the तो हे गाइस स्वागत है आपका फिर से इस ब्लॉग में और अभी हम सब लोग जा रहे हैं शिरडी शिरडी हमारे गांव से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और हमने साईं बाबा के दर्शन करने का सोचा था जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले थे ना तभी मैंने सोचा था कि मैं साईं बाबा को एक बार ज़रूर मिलके और उनके आशीर्वाद लेके आऊँगा तो भाई हम सब भाई लोग इधर रेडी हो चुके हैं सबके सब और मेरी वाइफ भी है साथ और हमारी एक और सिस्टर है वो उसके शॉप पर गई है तो उसको भी वहाँ से पिकअप कर लेंगे और फटाक से शिरडी जाएँगे बाबा के दर्शन करेंगे उधर ही प्रसाद भी खाएंगे और आपको शिरडी भी थोड़ा घुमा देंगे जल्दी से निकलते हैं यहाँ से और फिलहाल घर वाले इधर वेट कर रहे हैं हम कब निकलेंगे तो थक गए हमारे जाने की राह देख देख के और मेरी मम्मी भी उधर बैठी है तो चलिए गाइज और हाँ आज घर पे तिरंगा भी लहराने वाला है हम तिरंगा भी लाएंगे आज क्योंकि हम भी उस मोमेंट में शामिल होना चाहते हैं हर घर तिरंगा तो चलिए बैठिए भाई लोग तो कैसा लग रहा है दोस्तों आपको बहुत अच्छा दोस्तों नहीं भाइयों तो गाइस मैं आपको बता दूं वैभव ने रिसेंटली ये गाड़ी ली है मतलब वैभव ने और उसके पापा ने मिलके लिए उसके पापा डांट रहे थे मुझे वैभव की गाड़ी कैसे बोल दी तुमने तो भाई वैभव भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एसक्यूएल डेवलपर है भाई मैकेनिकल से शिफ्ट हुआ है आईटी में और पीछे भी सचिन है वो भी एक आईटी इंजीनियर बनने वाला है कुछ दिनों में सुनील भी एसक्यूएल डेवलपर है वैष्णवी अभी इसकी फिलहाल शादी हो चुकी है और हमारी धर्मपत्नी जी भी एजुकेशन कर रही है उनका कंप्लीट और मैं तो भाई एक कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ अपना चल रहा है धीरे धीरे रोजी रोटी दो की तो भाई अभी निकल रहे घर से बहुत दिनों से चल रहा था हमारा शिरडी जाने के लिए तो हमारे खेत देख लो आप लोग रास्ता हमारा थोड़ा कच्चा है गाइस इसमें से निकलने के लिए ना हमें 10 मिनट लगते हैं
आपल्याला एवढं म्हणजे भाई साहेब देखो मेरी गाड़ी चलते हैं। ये है मेरा स्कूल, मतलब यहाँ पे मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था, फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड यहाँ से किया है मैंने, और वैभव का ये टेंथ स्टैंडर्ड तक का स्कूल है। सुनील सेवन, नहीं, सेवन, मेरा सेवन तक, सिक्स, हाँ ये सुनील का टेंथ स्टैंडर्ड तक का स्कूल है, वैभव का सेवन्थ तक का है। सचिन तेरा कितने तक था? एट तक था सचिन, और वैष्णवी का तो टेंथ तक था इधर। तो ये हमारा स्कूल है माध्यमिक विद्यालय। हाँ तो भाई अभी यहाँ से जा रहे हैं हम लोग, ये मेरा क्लासरूम हुआ करता था, तो यहाँ से निकले भाई हम लोग। गाइस अभी हमारे सिस्टर का शॉप है यहाँ पे, फर्टिलाइजर वगैरह सब चीजें होती ना, वो उसका शॉप है पल्लवी का, तो वहाँ पे जा रहे हैं और उसको पिकअप करेंगे और फिर हम सब लोग जाएंगे शिरडी। तो भाई उसका शॉप तो आ गया है। वैसे गाड़ी में जगह की कमी हो गई है, पर कोई नहीं, कर लेंगे एडजस्ट, ये तीनों तो पतले पतले लोग हैं। गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से सभी लोग, सब लोग हंस रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए निकलते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे शिरडी। लगभग दोस्तों अभी 11:30 बज रहे हैं, तो अभी मुझे लगता है 12:30 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे हम लोग। का एक प्रॉब्लम है भाई, उसको गाने नहीं बज रहे होते ना गाड़ी में, तो उसको वोमिटिंग सा होने लगता है ना पायल। तो अभी गाने लगाने पड़ेंगे, कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैंने बंद करने को बोला था, पर कुछ नहीं अभी एडिटिंग के टाइम पे कर लेंगे। भाई मौसम क्या अच्छा हो रखा है यार, पहुंच गए हैं येवला सिटी में। ये पैठनी साड़ीज के लिए बहुत फेमस है, आपको जगह जगह पे पैठनी के दुकान मिल जाएंगे, जैसे ये एक पैठनी का दुकान है, और आपको मतलब 50 दुकान यहाँ पे मिल जाएंगे और बहुत ही फेमस है, आप आइए कभी पैठनी लेने के लिए। ओला में भी काफ़ी ट्रैफिक हो रखी है क्योंकि ये मेन रोड है, इसको बिनसुर चौपुली बोलते हैं, तो यहाँ पे मेन ट्रैफिक होता है, और यहाँ पे आज शायद शनिवार है ना, हनुमान जी के मंदिर में अभी प्रसाद चढ़ रहा है। मैं भी जब येवला में पढ़ता था ना, तो मैं भी इधर प्रसाद खाने के लिए आ जाता था सैटरडे को, बहुत अच्छा लगता था इधर। और सिर्फ प्रसाद खाने के लिए नहीं भाई, दर्शन करने के लिए भी आता था, प्रसाद तो बाय प्रोडक्ट था। कुछ भी ये देखो, ये येवला की मेन गली है। हमारी धर्मपत्नी जी गाने गा रही है क्योंकि आपकी वजह से हर बार हमें म्यूजिक सिस्टम बंद करना पड़ता है। चला दो गाने आप लोग, मैं नहीं बोलने वाला कुछ वीडियो में। गाइस नेचर्स कॉल, अर्जेंटली एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, पड़ेगा भाई किधर है वॉशरूम। भाई जल्दी से निकलते हैं अभी। कोपरगांव पायल का होम टाउन है, ये है समृद्धि महामार्ग, वहां से लेके पूरा मतलब भर भर के काम हो रहा है इधर। तो गाइस अभी शिरडी आने वाला है, सिर्फ 2-3 किलोमीटर यहाँ से। गाइस हमारा वेट अभी खत्म होने को है, हम शिरडी में बस पहुंचने वाले, एंट्री करने वाले हैं, तो अभी बड़ा सा शिरडी का एंट्रेंस का गेट मिलेगा। तो भाई ये शिरडी का ही अभी एरिया है, ये देखो गाइस गाड़ी कैसे ऊपर रखी हुई है, रोहित शेट्टी का शोरूम है क्या ये? अभी शिरडी एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर, पर हमें उधर नहीं जाना है, वो बाहर है, और साई मंदिर आप देख सकते हो 3 किलोमीटर है सिर्फ यहाँ से। शिरडी में आओगे ना तो आपको हर एक दुकान पे साई बाबा का नाम दिखेगा, हर एक दुकान साई बाबा के नाम से शुरू होता है, हर एक मतलब मोस्ट ऑफ द, एग्जैजरेट कर दिया थोड़ा सा, आप पकड़ के सकते हो एटलीस्ट 90% दुकान तो ऐसे ही। हम निकले थे 11:30 बजे, अभी 1:15 बज रहे, मतलब लगभग 1 घंटा लग गया हमें इधर पहुंचते, और शायद इधर से थोड़ी बारिश भी हो रही है अभी शिरडी में। #शिरडी
भाई देखो लोग है ना डायरेक्ट पीछे भागने लग जाते हैं शिरडी में आते ही, नहीं चाहिए भाई हमको कुछ, माफ कर दो हमको, हम यही के भाई, हमको सब इधर के जुगाड़ पता है। वैसे इतनी भीड़ नहीं लग रही है, मुझे तो खामखा घर वाले बोल रहे थे आज बहुत भीड़ होगी। जय साई राम। दिर का ही इलाका शुरू हो गया गाइस, यहाँ पे होटल्स वगैरह होता है, यहाँ से आप दर्शन करने के लिए जा सकते हो, यहाँ पे लाइन में लग सकते हो। तो ये मंदिर ही है पूरा एरिया, मतलब यहाँ से शुरू ही हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से धीरे धीरे। और भाई आपको शिरडी में आते लोग मार्केटिंग करने के लिए आ जाते हैं आप? नहीं नहीं भाई हमको नहीं चाहिए, हम यहाँ के भाई पार्किंग के लिए सब देखते गए जगह मिलती है, क्योंकि देखो भाई यहाँ से लाइन लगने शुरू हो गए साईं बाबा मंदिर के लिए, तो हमें भी शायद यहीं पे आना पड़ेगा। थोड़ा सी भीड़ लग रही है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा दर्शन करने में, एक डेढ़ घंटा निकल जाएगा। श्री साई बाबा मंदिर कॉम्प्लेक्स, अभी हम एकदम मंदिर के पास खड़े हैं। और यहाँ पे पुलिस का मदद केंद्र भी, अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हो तो। चल सतीश कड़े जाओ यानी तो सोडून दे तो अभी हम क्या सोच रहे हैं, मेरा एक भाई है वो इधर होटल पे रहता है, तो उसके होटल में पार्किंग कर देंगे हम लोग गाड़ी का। हाँ, पार्किंग है, उतरा एक मिनट रुको, किधर है पार्किंग? पार्किंग कर रहे हैं सर जी। हाँ किधर? मंदिर के पास पार्किंग है, 50 रुपए लगेगा, आपको दिखा देता हूँ। पैसा नहीं, खाली मेरा दुकान है, जो लेने वालों को पूजा प्रसाद मिलता है। इधर ही छोड़ रहे हैं पायल, सुनील, सचिन, वैष्णवी, निकलो जल्दी। अरे भाई सुनील थाम रहे। तो भाई इधर ही मेरा एक भाई है, वो होटल पे काम करता है, तो उसके यहाँ पे हम गाड़ी पार्क कर देंगे और फिर वो हमें छोड़ देगा यहाँ पे, तो फिर से इनके साथ दर्शन करने के लिए चले जाएंगे हम लोग। ज़्यादा ही भीड़ हो रखी है ना यार, तो इसलिए जगह कम मिल रही है यहाँ पे, नहीं तो पहले तो भाई पूरा खाली था शिरडी। यहाँ पे शिरडी का बस स्टॉप है, नज़दीकी है मंदिर के, अगर आप कभी आना चाहे। और ये देखो भाई फ्लैग, तिरंगा लहरा रहा है यार, हर जगह पे अभी 15 अगस्त आ रहा है ना यार। हाँ भाई ये होटल है आनंद पैलेस, तो हाँ भाई मैं थोड़ी उतर के ना मेरे भाई को लेके आता हूँ, पूछते किधर पार्क कर सकते हैं, क्योंकि हमें इधर, मैं तो पहली बार आया हूँ उसके होटल पे, वैसे मिलते रहते पर होटल कभी नहीं गया था। ये हमारा भाई है सतीश, गाड़ी तो पार्क हो गई दोस्तों, तो चलिए भाई मंदिर चले जाते हैं। अभी भाई हम अभी यहाँ पे आ गए हैं, तो हम दोनों जा रहे हैं अभी, पायल और सुनील वो लोग सब आगे खड़े हैं, उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, इधर से जाना पड़ेगा। और भाई अंदर शूटिंग के लिए मना ही है, मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, तो मोबाइल बाहर ही रहेगा, तो सबका सब जो शूटिंग वगैरह है वो सब बाहर से होगा, अंदर तो मोबाइल लेके नहीं जा सकता भाई। अरे इधर हो गया तुम लोग, मैं तो तुम लोग मंदिर जमा करूंगे मोबाइल उधर रख देंगे ना। हाँ वहाँ पे रख देंगे मोबाइल, मोबाइल खींचा टेवला चालो ना कदे मंदिर दुकान खुला तो चपला मोबाइल लॉकर भाई। अभी हमें सिर्फ मोबाइल वहाँ पे जमा करने होंगे, आपको मंदिर के अंदर का तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अलाउड नहीं है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वहाँ पे। सचिन कैसे चल रहा है देखो, सचिन भाई सचिन 2-3 घंटे लगेंगे, तू बाहर ही बैठ जा, तू हमारे मोबाइल संभाल। अरे सच में, अरे सच में सचिन तू 3 घंटे खड़ा नहीं रह पाएगा उधर, तेरा दर्द करने लगेगा और फिर। तो हम सचिन को वही बोल रहे थे, अभी तुम मत आओ हमारे साथ। जा सकते पर मैं बाहर से आपको मंदिर दिखा देता हूँ, ये है मेन मंदिर जहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति रखी हुई है, और वहाँ पे हमें जाके दर्शन करने हैं। और यहाँ पे देख सकते हो काफी भीड़ हो रखी है, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो अभी सुनील वैभव सचिन सब लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो मैं अभी जा रहा हूँ उनके पास ही, लगातार छुट्टी आने की वजह से इतनी सारी भीड़ हो रखी है। तो हमने डिसाइड किया है सचिन बाहर ही रुकेगा क्योंकि उसके पैर में दर्द है, 3 घंटे लगेंगे दर्शन के लिए, तो सचिन के पास मोबाइल रख देंगे हम लोग। तो भाई अभी बहुत देर लगने वाली है दर्शन के लिए,
वैसे बता दूँ ये हमारे गांव से और पायल के गांव से तो स्पेशली बहुत ही नज़दीक है, तो पायल हमेशा आती रहती है शिरडी, और मैं भी लगभग 10-15 बार आ चुका हूँ शिरडी में। सचिन थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। लोग मूर्तियाँ बेच रहे हैं साईं बाबा के, आप ले सकते हो, आपको लेने हैं तो। हाँ गाइस, अभी बस मंदिर के अंदर हम जाने वाले हैं, लाइन में लगने वाले हैं, तो यहाँ तक ही शूट करना अलाउड है। तो मैं जो मेरा मोबाइल है अभी वो सचिन के पास दे रहा हूँ, तो हम दर्शन वगैरह करके आ जाएंगे थोड़ी देर में बाहर, फिर हम भोजनालय जाएंगे जहाँ हम प्रसाद खाएंगे, तो आप लोगों को दिखा दूंगा। तो अभी मोबाइल दे देता हूँ सचिन के पास, सचिन इधर ही खड़ा है। ये दादा के दर्शन के लिए जा रहे हैं अभी, चलो बाय। यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आ चुके हैं। तो गाइस फाइनली दर्शन करके हम आ गए हैं, सचिन भाई इधर वेट कर रहे थे, हम दर्शन करने के लिए गए थे लगभग 1 बजे और अभी 3:15 बज रहे हैं, मतलब 2 घंटे से ऊपर हो गया हमें पूरे दर्शन करने के लिए, और अभी आराम के साथ दर्शन हो गए और बहुत अच्छा लग रहा है सबको ही। तो पायल कैसे लगा दर्शन करके? मोटे नहीं बोल। अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? हाँ। वैष्णवी कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। कितनी बार आई हो साईं बाबा मंदिर में? 2-4 बार आई हूँ। सचिन कैसा लगा? बहुत अच्छा, मेरा वीआईपी दर्शन हो रहा है। सचिन तो भाई इधर ही बैठा था, इसको अंदर तो भाई तू आ जाता ना तो तेरी हालत खराब हो जाती। पेनफुल दर्शन था। वो बोल रहा है कि ज्यादा भीड़ थी इसकी वजह से, बहुत बहुत घूमना पड़ा ना, तो भी भाई हम लकी हैं, हमें 2 घंटे ही लगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। मतलब ये कैसा था? बहुत अच्छा हो गया हमारा साईं का दर्शन। तो यहाँ पे आप अपने जूते वगैरह बिना पैसे दिए रख सकते हो, इसके बगल में आप अपने मोबाइल भी रख सकते हो, और हालांकि उसके चार्जेस होते हैं, 5 रुपीज पर मोबाइल होता है। इधर काफ़ी भीड़ हो रखी है गाइस, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि वीकेंड है ना, और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसके लिए कैमरा मोबाइल सब पहले ही ले लेते हैं वो लोग। कल सुनील अंदर प्रसाद ले रहा है, तो प्रसाद लेके आ जाएगा। आ गया लगता है सुनील। सुनील प्रसाद मिल गया क्या? ये देखो ये प्रसाद भी मिल गया हमें, प्रसाद के लड्डू लेके आ गए। फोटोग्राफी चल रहा है इधर, तो भाई फुल स्टाइल में खड़े हैं, देख लो भाई का स्टाइल देख लो। तो गाइस अभी प्रसाद का लड्डू खा रहा हूँ, इन लोगों ने तो खा लिया है, मुझे काफी भूख लगी, मैं घर से भी कुछ खा के नहीं आया था। गाइस अभी हम जाने वाले प्रसादालय, जाके हम प्रसाद लेंगे साईं बाबा का, बहुत बड़ा है वो। चालू केला है। रास्ता क्रॉस कर लेते वैष्णव इधर। ए सुनील रुक जा, गाड़ी आ रही है उधर से। सचिन को पकड़। तो यहाँ पे रुक जाते हैं भाई, वैभव गाड़ी लेके आएगा तब तक। गाइस यहाँ से देख लो साईं बाबा के मंदिर का जो कलश है वो दिख रहा है, बालना वो छोटा भीम में राजू ने कि उसके जैसे खड़े हो जाते। हाँ राजू के पास 3 है पर तेरे पास जितने वो सब इधर ऐसे खड़े हो जाते हैं, देखो ऐसे किया सेल्टोस। तो भाई जल्दी चलो। तो गाइस अभी शिरडी से बाहर निकल रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं प्रसादालय जो यहाँ से नज़दीकी है, आई थिंक 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे होगा। 15 मिनट मतलब ट्रैफिक इंक्लूडेड, वैसे पास ही एकदम नज़दीक। हाँ इधर से प्रसादालय के लिए जाने के लिए रास्ता है, तो अभी यहाँ से टर्न लेने गए, देखो लिखा है इधर, सिर्फ आई थिंक 1 किलोमीटर भी नहीं होगा यहाँ से। तो भाई ये है प्रसादालय और यहाँ पे काफी भीड़ लग रही है, इधर तो ट्रैफिक जम सा लग रहा है। कोई पेन पार्किंग है सर, क्या चल रही है? इधर जगह है निकलने के लिए, सही रहेगा ऐसे जगह पे लगा दे, मतलब जल्दी निकल सकता है। तो ये पार्किंग आप लाइक जो प्रसादालय है उसके पास ही मिल जाएगी। तो भाई ये है प्रसादालय और काफी बड़ा है, गार्डन वगैरह भी है चीजें सामने। निकलते हैं अभी धीरे धीरे, चलो जल्दी जल्दी, भूख लगी है मुझे बहुत। और भाई सच में इतनी भूख लगी है ना आज, क्या बताऊँ, मैंने मतलब सुबह कुछ खाया ही नहीं, सब्जी थोड़ी तीखी हो गई थी,
तो कुछ खा ही नहीं पाया ज्यादा। लाइन में लगे ये लोग खाने के लिए, हमारे टिकट्स ले रहे हैं। मिला सुनील? मोपत से गए थे। तो गाइस आज तो फ्री में मिल रहा है सब। तो भाई यहाँ पे भी लाइन है। अंकल जी फुल जोश में है, भाग रहे हैं। खामों का डरा रहा था हम लोगों की बहुत भीड़ होगी। तो सुनील उसके साथ रहे ना भाई, सुनील जैसे सोबत रहा ना। नमस्कार, हो माझं गाव धनकवाडी येवलामध्ये। युट्यूब वरती सर्च करा स्वप्निल जाधव ब्लॉग्स। काय काय युट्यूब वरती सर्च करा स्वप्निल जाधव ब्लॉग्स, त्या चॅनल वर येऊन जाईल शिर्डीच्या दर्शनाचं। तो अंकल जी बोल रहे थे कि हमें भी ले लो इस वीडियो में और हमें भी बताओ कि कहाँ पे देखना है। तो मेरे पास उनका नंबर तो है नहीं, मैंने बता दिया कि स्वप्निल जाधव ब्लॉग्स सर्च करिए तो मिल जाएगा। देख लो यहाँ पे कितने लोग प्रसाद ले रहे हैं अभी, और यहाँ पे तो साफ सफाई चल रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 से 10 हज़ार लोग बैठ सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, मैं जस्ट रैंडमली बता रहा हूँ। 5 हज़ार से ज़्यादा आकस यहाँ पे ये है सिटिंग अरेंजमेंट है और कंटिन्यूसली चलता रहता है भाई। ना जाने कितने लोग यहाँ पे हर रोज अपना भरपेट खाना खाते होंगे। अभी हम इधर जा रहे हैं, उधर ही खाना खाते हैं। मैं खाना बोल रहा हूँ, माफ करना मुझे, ये प्रसाद है एक्चुअली, इसको प्रसाद बोलते हैं पर वो मेरी हैबिट बन गई है ना खाना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वैसे प्रसाद ही बोलना चाहिए क्योंकि इसको बहुत आस्था से लोग खाने आते हैं। चलो उस साइड से बैठ जाते, चलो जल्दी पायल फटाफट पायल उस लाइन से। तो पहले बैठी है पल्लवी, फिर वैष्णवी, फिर पायल, फिर मैं हूँ, फिर सचिन है। प्लेट्स वगैरह सब रेडी है। नमक शायद हलवा है। पायल बोल रही थी कि फटाफट खाना होता है यहाँ पे, है ना पायल? हाँ मुझे बहुत फास्ट खाने की आदत है दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बहुत देर से हम वेट कर रहे हैं कि चीज़ें आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने तो खा भी लिया, चटक भी लिया। वाह अरे वाह भाई, अरे ये तीनों ने ख़त्म कर दिया। और पीछे से अभी दाल वगैरह आई भाई। कितना स्पीड है इन लोगों के पास, कितनी प्रैक्टिस हो गई है। में सब सब्जियाँ है, दाल है, जो भी सब्जी है सब एक ही जगह पे मिल जाते हैं। अरे भाई धीरे धीरे मेरे कपड़ों पे गिर जाएगा। हाँ का ये बोल रहे हैं, ये शीरा छोड़ के जो उपमा है इसको लापसी बोलते हैं मराठी में, ये छोड़ के सब डबल है। स्वीट छोड़ के पायल तूने तो पहले ही खा लिया यार। चलो मेरे में से ले लो थोड़ा। चलो हाँ गाइस इसको टेस्ट करते हैं, अभी टेस्ट नहीं बोलूँगा, इसको ग्रहण करते हैं गाइस प्रसाद को। फल भी निकाल देता हूँ। काफी टेस्टी है भाई। साफ कर दिए मैंने और ये खाके इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या बताऊं मैं आपको। और पहले हम दोनों ही बच्चे जाते गाइस, हर रोज मैं ना पेट भर के खाना खाता था, आज ना मेरा मन भर गया है, क्या बताऊं, इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे सच में दिल से, मतलब मैंने उंगलियां चाट चाट के खाना खाया है। यहाँ पे किचन है, शायद एंट्री नहीं अलाउड, इधर से जा सकते, इधर से जा सकते, सिर्फ अंदर नहीं जा सकते इधर। और अभी अभी लोग खाना ही खा रहे हैं इधर। देखो कबूतर दाना चुग रहे हैं भाई। बाबा के आश्रम में कोई भूखा नहीं रहेगा, हर कोई इधर भरपेट खा के जाएगा और खुश रहेगा।
तो गाइज फाइनली शिरडी से बाहर निकल रहे हैं और मुझे पर्सनली तो काफ़ी अच्छा लगा, हालांकि बाकी लोगों को इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत थक गए हैं। चलिए अभी घर जाएंगे, सीधा यहाँ से निकलते हैं। सीट बेल्ट लगा भाई। हाँ सॉरी भूल गया। तो चलिए भाई अभी आराम से घर पहुँच जाएंगे। यहाँ से हमें एक क्यूट सा पार्सल पिकअप करना है जो हम लेके जा रहे हैं हमारे गाड़ी में। तो हमारे मामा जी खड़े हैं यहाँ पे। राम राम मामा। चले थे ना घरी खाओ। नमस्कार नमस्कार। राणा को लेने का प्लान तो कैंसिल हो गया, वो फिर से जा रहा है अभी। बाय। चलो बैठो। अरे भाई ये किस डाले ले ले कतर रहा क्या क्या हुआ है? सचिन एप्पल खा लिया क्या? अरे मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा बता। आए हॉस्पिटल, सचिन को ड्रेसिंग करवाना है। आजा धीरे धीरे आजा। मेडिकल ले ले, गूगल पे कर दे। झलक शर्फी श्रीवल्ली मस्तकों के झंडे। हम हमारे गांव में पहुंच गए हैं। अभी सिर्फ यहाँ से 1.5 किलोमीटर बचा है घर हमारा। तो गाइस बस हमारा घर अभी दिख रहा है यहाँ से। चलो जा रहे हैं, बारिश हो रही है ना तो रास्ते से गाड़ी फिसल जाती है। तो अभी गाइस जस्ट घर ही पहुंच रहे हैं। अभी लगा दो भाई गाइस। दे आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं गाइस। ब्लॉग खत्म करना पड़ेगा, बहुत लंबा ब्लॉग होने वाला है आज का। दादा नहीं ना तुमची बात पार बस बंद हो। हाँ का ये हो रहा है। मम्मा काय करती है भाई? मम्मी तू साड़ी ले भारी घातली, क्या मस्त साड़ी पहनी मम्मा, सही दिख रही है मम्मा साड़ी में। हाँ ब्लैक ब्लैक। और मम्मी क्या बना रही है आज? दाल बाटी बना रही है। मतलब वो ट्रेडिशनल राजस्थानी वैसी नहीं है, इसको तल के बना रही है। थोड़ा का मम्मी का रेसिपी अलग से। हाँ पायल और वैष्णवी को भी आज खाना खाने के लिए इधर बुला लेते हैं। बस है हमारे रॉकी भैया मस्त अकेले थे घर पे। हाय रॉकी, कैसे हो भाई? सब खैरियत से? और मस्त खेल रहे हैं अभी ताता जी के साथ। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। काफ़ी लंबा ब्लॉग होने वाला है ये। आई होप कि आप इसको पूरा देख रहे होंगे, और अगर आप ये सुन रहे हो तो इसका मतलब आप देख चुके हो पूरा। तो आपने इस ब्लॉग में क्या देखा? हम शिरडी गए, वहाँ पे हमने साईं बाबा के दर्शन किए, फिर हम प्रसादालय भी गए जहाँ पे हमने प्रसाद ग्रहण किया, और फिर हम वहाँ से घर चले आए आप। और अभी मस्त घर वालों के साथ खाना वाना खाएंगे, गप्पे करेंगे। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। बाय। उंगलियां इधर अटक गई थी, ड्राइवर ने दरवाजा बंद कर दिया। अरे दरवाजा क्लोज कर दिया जल्दी उतरने के चक्कर में। भाई अभी हम उतरे थे ना, ये किस्सा हो गया, सचिन का हाथ अटक गया पैर से तो था ही भाई। अरे Sick of being alone.